वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि SBI क्लर्क कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। तो ट्रेंड इम्पॉर्टेंट ये है इसलिए है कि अगर आप बिगनर हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी कट ऑफ जाएगी प्रीलिम्स की। और दूसरी बात, प्रीलिम्स की अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कट ऑफ ट्रेंड की देखने की तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं। जस्ट बिकॉज आपको पता होगा पिछली बार SBI क्लर्क में क्या हुआ था, 80 कट ऑफ गया था और जबकि OBC का 77 कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ जो है वो ईयर बाय ईयर और डे ईयर बाय ईयर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आप अपना टारगेट बना के चलो कि कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं, आप इतना टारगेट बना के चलो कि आपको अपना 100% देना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। और SBI क्लर्क के लिए आप हमेशा सोचो कि 90+ स्कोर करना ही करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल होता है एज़ पर क्लरिकल लेवल होता है और क्लरिकल लेवल के हिसाब से पेपर उतना हार्ड नहीं आता। ठीक है, मॉडरेट आएगा, ठीक है मॉडरेट आता है, लेकिन लेवल एकदम PO जैसा लेवल नहीं हो जाएगा। तो आप हमेशा 100% हो ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि SBI हो चाहे क्लरिकल कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सिंप्लीफिकेशन आते हैं, नंबर सीरीज़ आती हैं और क्या हो, नंबर सीरीज़ आती हैं और आपका DI आता है जो कि इजी पैटर्न का होता है। बट इस बार जो DI आया था RRB क्लर्क में एक दो शिफ्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आई थी। तो यहाँ पे ये है कि आप ये तो प्रिपेयर करो ही करो, लेकिन सारे एस्पिरेंट जो भी एस्पिरेंट जो बिगनर होते हैं वो ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, नंबर सीरीज़ कर लेंगे, DI कर लें एंड देन ओके मैथ्स में ठीक है हमारा हो गया, अब हम अदर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। बट अगर आप अर्थमेटिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप सेलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि बिना अर्थमेटिक के सेलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपको आगे चल के मेंस भी देना है और आपका जब रिज़ल्ट आउट होगा, अगर आपका रिज़ल्ट आउट होता है तो आपको मेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आप 10-15 डेज़ में क्या पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ लोगे, आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अभी से अब SBI क्लर्क बनने के बारे में सोच रहे हैं कि हम SBI क्लर्क हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्री प्लस मेंस दोनों प्रिपेयर करना होगा। और मैथ्स के सेक्शन में अर्थमेटिक बिल्कुल ना छोड़ो। अरुण सर ने अर्थमेटिक की सीरीज चला रखी है, आप उसको देखो, आप बुक्स फॉलो करो, बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन अर्थमेटिक बिल्कुल ना छोड़ो। अर्थमेटिक आप प्रिपेयर करो ही करो, वरना सिलेक्शन रुक जाएगा आपका बिना अर्थमेटिक के। सो कट ऑफ ट्रेंड ठीक है, आप चलो मान के चलो कि मेरा 90+ मार्क्स आएंगे, 90+ आएंगे, तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आपके 90+ आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय।